So, hey guys, welcome back to my YouTube channel, Artcraft, and मैं स्नेहा. So, I am स्नेहा, and आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. तो हम दोनों को आज इसी वीडियो में ले रही हूँ, क्योंकि दोनों बहुत छोटे टॉपिक्स हैं जो कि हम इजीली कवर कर सकते हैं. तो फर्स्ट, सब्ट्रैक्शन क्या होता है आप जानते ही होंगे, किसी चीज में से किसी चीज को घटाना. तो जैसे मैंने 7 में से 6 को घटाया, मतलब सब्ट्रैक्ट किया, तो आया आपका 7. और डिवीजन क्या होता है, किसी चीज को किसी से डिवाइड करना. ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 1. इसके पीछे का भी अगर आपको पूरा पता, अगर आपको ये जानना है कि डिवीजन होता क्या है और डिवीजन हम कैसे करते हैं, तो आप मेरे चैनल की वीडियो देख सकते हैं. उसमें आपको पूरा बता रखा है मैंने कि डिवीजन क्या होता है और उसके व्हाट प्रॉब्लम्स मैंने उसमें सॉल्व कर रखे हैं. तो अभी हम बात तो करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हम कैसे से सॉल्व करते हैं और इसमें क्या क्या मेन चीज होती है, वो आज हम देखेंगे. तो हम कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन. So, इसमें क्या ले रहे हैं हम, 2x माइनस एक्स, 2y माइनस 2x. तो मैं आपको यहाँ पे कुछ दे देती हूँ, 4, 5. तब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगी. 2x माइनस 1x, 1x को आप x भी ले सकते हैं, माइनस 6x. ठीक है, तो हमारे पास कुछ है, तो अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं. 2x माइनस एक्स मीन्स 1x, तो 1x को हम x लिख देते हैं, तो अब हमारा आंसर आ गया x. 2y माइनस 2x, मैंने आपको एडिशन वाले में बताया था कि दो जब अलग अलग वैल्यूज होती है तो हम उन्हें सॉल्व नहीं कर पाते हैं. तो इसका आंसर क्या आएगा, 2y माइनस 2x. अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 1x कर लेते हैं पहले, तो उसका आंसर आ गया x, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 6x. So, x माइनस 6x इज इक्वल टू माइनस का 5x. तो ऐसे तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये भी बहुत इजी है. अब मैं आपको इसका एक वर्ड प्रॉब्लम दे देती हूँ. द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2y. 1 of the number is y, then the other number is 2y. यहां पर बताया कि दो नंबर का सम है 2y. सो वन नंबर उनमें से जो है वो है y. तो अब जो दो नंबर्स हैं उनको सॉल्व करके 2y बन रहा है, उनमें से एक नंबर हमें बताया है जो कि है y. तो उनमें अब हमारे जो सेकंड नंबर है वो कैसे क्या होगा, तो ये आपको पता ही होगा. जैसे मैं आपको एक सिंपल बता के देती हूँ, जैसे दो नंबर्स का आंसर आ रहे हैं, मतलब सम आ रहा है हमारा 10, और उनमें से एक नंबर हमारा 6, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4. तो ये तो सिंपल सी बात है, तो ऐसे हम इसमें भी करेंगे, तो यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन होगा. Sum of two numbers is equals to 2y. One number is y. Another number is 2y minus y. Y. So, अब जो दूसरा नंबर है वो भी y है. ऐसा आपको लार्जर और स्मॉलर को आ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लार्जर आ जाएगा तो यहाँ पे स्मॉलर आ जाएगा, पर इसको थोड़ा चेंज होकर आएगा. ठीक है, तो हम बात करते हैं डिवीजन की. जो देखो सब्ट्रैक्शन में भी और कुछ ज्यादा है ही नहीं, सब्ट्रैक्शन भी ऐसा ही है, तो ऐसा हमारा डिवीजन भी है. तो अब डिवीजन में क्या होता है, सिंपल, लाइक जैसे हम यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं आपको, एक्स डिवाइडेड बाय वाई. ठीक है, एक्स को वाई से डिवाइड करना है, तो हम इसे कैसे करेंगे, एक्स बाय वाई. तो सिंपल ऐसे करता है. और अगर देखो ये तो आप जानते हैं, अब आगे तो हो ही सकता है क्योंकि ये दो अलग अलग है. सो मैं आपको देती हूँ 4x डिवाइडेड बाय 2x इज इक्वल टू, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 4x बाय 2x. सो ये तो कट रहे ना, तो हम यहाँ पे कट कर देंगे इसे, तो 2x रहेगा.
और अब हम एक ले लेते हैं जो कि इन सब को मिला के होगा, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को मिला के जो हम करेंगे वो हम इस वीडियो में ले लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारा है 2a माइनस 3b माइनस a माइनस 2c माइनस 3b प्लस 4c माइनस 3a माइनस b माइनस 2c एंड देन हम यहाँ पे से क्लोज कर देते हैं। यस, एंड अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी है। ऐसे जैसे हम बोर्ड मास में करते थे, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते थे हम डी मास में, तो और जब हम बोर्ड मास में करते थे तो ब्रैकेट्स करते थे। तो ब्रैकेट्स कौन से होते थे, पहले राउंड ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ तो बार है नहीं तो इसमें बार नहीं दिखा रही आपको अभी, या फिर बार भी होता है पहले तो बार ले लेते हैं, पहले बार देन राउंड ब्रैकेट देन कर्ली ब्रैकेट्स देन बिग ब्रैकेट। तो हम इसे ऐसे सॉल्व करते थे, तो इसमें भी हम कैसे करेंगे, यहाँ तो कोई बार है ही नहीं दिख रहा हमें, तो पहले हम यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स ले लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2a माइनस 3b माइनस a ये तो होंगे नहीं, तो माइनस 2c माइनस माइनस प्लस 3b प्लस 4c माइनस 3a सॉरी माइनस 3a माइनस माइनस प्लस 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 3b एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 6c एंड अब क्या करेंगे हम इसे, इसे सॉल्व करेंगे ठीक है। 2a माइनस 3b अब यहाँ पे हम इसे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं इसको भी, a माइनस 3a ठीक है, a माइनस 3a एंड देन हमारा माइनस का 2c प्लस 4c प्लस 6c प्लस का 3b प्लस का 3b बस। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देख लेते हैं अभी। a माइनस 3a इज इक्वल्स टू माइनस का 2a 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9, 10 and 2 6 और 4 है हमारा यहाँ पे 10, तो 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8, तो 8c एंड अब b की बारी आती है प्लस प्लस 6 प्लस 6b एंड हम आगे करते हैं। यहाँ पे आप इक्वल्स टू का साइन भी लगा सकते हैं, 2a 3b माइनस का साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस का 2a वेट जी माइनस का इसी तरह प्लस, सो यहाँ पे हमारा जो प्लस का साइन लगना चाहिए था वो हमने मिस कर दिया था, यहाँ पे लग गया है एंड प्लस का 2a माइनस प्लस माइनस माइनस का 8c माइनस प्लस माइनस माइनस का 6b। अब इनमें को हम कौन सा सॉल्व कर सकते हैं, इस भी कर लेते हैं हम यहाँ पे सॉल्व। 3b माइनस 6b प्लस 2a माइनस 8c 2a माइनस 6 और 3 का क्या आएगा माइनस प्लस का माइनस, तो यहाँ पर वैसे साइन बड़ा है तो माइनस आएगा एंड 6 माइनस 3 3 3b प्लस 2a माइनस 8c 2a माइनस माइनस प्लस 3b प्लस माइनस 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 का 2a देन यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस 8c। अब आपको एक और बता देती हूँ, जो प्लस और माइनस के होते हैं तो वो एक साथ कैंसिल जाते हैं क्योंकि उनको करने के लिए जीरो ही आता है, तो जीरो हम शो भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा है, 3b प्लस 8c, तो हमारा आंसर आ गया 3b प्लस 8c। मैंने इन दो को कैंसिल कर दिया, आप समझ गए ना रीजन क्यों कैंसिल किया मैंने इन दो को, क्योंकि ये दोनों की वैल्यू तो सेम है एंड ये माइनस है नहीं प्लस है, इसलिए हम इसे कैंसिल कर लेंगे। सो अब हमारा आंसर आ रहा है 3b और 8c 3b प्लस 8c आंसर आ गया हमारा।
गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, जिससे आपको मेरे चैनल की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।